हेलो दोस्तों, आज हम MLTP स्टडी पॉइंट के द्वारा संचालित टेस्ट का क्वेश्चन का मैथ रीजनिंग का सलूशन देखेंगे। दोस्तों, तो पहला मैथ रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, 38 माइनस 15 इजकल टू कितना है? 32। और 62 माइनस 91 इजकल टू 13, तो 74 माइनस 81 इजिकल टू वाट। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों को घटा लिया है, 3 माइनस 1 गया तो 2, और 8 में से 5 गया तो 3। यहाँ भी इसी तरह 6 माइनस 9 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1। इसी तरह यहाँ भी कीजिए, 7 में से 8 गया तो 1, माइनस आता है लेकिन इसमें माइनस लिखा नहीं गया है, 4 में से 1 गया तो 3। 31 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, ये किस था। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में CI और SI का अंतर ₹15.25 हो तो धनराशि क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए अगर CI और SI का अंतर मालूम करना रहे तो ये फार्मूला बैठाएगा अंतर का, CI और SI का अंतर का, P R बट्टा 100 का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 प्लस 3। ये फार्मूला बैठाइएगा अगर 3 वर्ष को, 3 वर्ष का अंतर का कहे तो, 1515.25 बट्टा 100 इंटू पी, आर का मान कितना है? 25, 5 है तो स्क्वायर करिएगा तो 25 बट्टा में 100 गुने 100 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, आर का 5/100 प्लस 3 करिएगा तो ये 20 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, तो बच गया कितना? 15, 25, और ये ऊपर में आपका हो जाएगा 20, 30, 60, और यहाँ ये कुछ नहीं, 1 हो जाएगा, 61P/20 = 80। तो इसे काटिएगा तो 61 × 25 से कट जाएगा, तो P = कितना हो गया? P = हो गया आपका 25 × 80, P = 2000। इसका उत्तर होगा दोस्तों 2000। कुछ नहीं किया है, बस अंतर का फॉर्मूला आता है, P × R/100² × R/100 + 3 कर दीजिएगा और मान बैठा दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, पी का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। गुणोत्तर सरणी के पहले 8 पदों का योगफल 65-60 है और अभीष्ट अनुपात 3 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, माना प्रथम पद ए है, प्रथम पद = A। इसका फॉर्मूला होता है, पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में A × r^(n-1)/(n-1)। तो पदों का योग कितना दिया हुआ है? 65-60 = ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है, और अभीष्ट अनुपात यानी आर अभीष्ट अनुपात हो गया वो कितना है? 3, और एन हो गया कुल पदों की संख्या, तो पदों की संख्या दिया हुआ 8 - 1 बट्टा में कितना हो गया? 3 - 1, तो 65-60 ए, ये हो गया आपका, टोटल करिएगा तो आपका हो जाएगा 65-61 - 1/2। तो यहाँ से आप 65-60 × 2, ए इंटू ये एक घट जाएगा तो 65-61 में 65-60 बच जाएगा, तो इससे
इससे यह कट जाएगा, ए इजकल टू आ गया आपका 2। प्रथम पद भी मालूम करना है तो प्रथम पद माना ए, मान लिए हैं ए है, और गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग होता है ए इंटू आर पर पावर एन माइनस वन बट्टा एन माइनस वन, यदि पदों की संख्या सम हो तो। तो पदों का योगफल दिया हुआ है 65-60 बराबर इतना इतना कर दिया और सॉल्यूशन कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 24 नंबर क्या कह रहा है, 4, 5, 9, 18, 34 अगला पद ज्ञात करना है डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 4 + 1 का स्क्वायर, फिर क्या है आपका 5 + 2 का स्क्वायर, 4 + 1 = 5 हो जाएगा और 5 + 2 = 9 हो जाएगा, फिर क्या है आपका 9 + 3 का स्क्वायर तो 18 हो जाएगा, फिर 18 + 4 का स्क्वायर तो 34 हो जाएगा, इसी तरह 34 + 5 का स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 59। इसका उत्तर हो जाएगा 59। देखिए पहला पद ले लिया है और 1 का स्क्वायर किया है, दूसरा में फिर दूसरा पद ले लिया है 2 का स्क्वायर किया है, तीसरा में फिर तीसरा पद ले लिया है और 3 का स्क्वायर करके जोड़ दिया है, फिर चौथा पद ले लिया है और 4 का स्क्वायर करके जोड़ दिया है, फिर पांचवा पद ले लिया है 5 का स्क्वायर करके जोड़।